अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रॉड व्यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में अर्तुरुल गाजी को बड़े शौक से देखा जा रहा है, तो मुझे भी इस शो को देखने का शौक हुआ और मैंने YouTube पे इसका डब वर्जन PTV के चैनल पे देखना शुरू कर दिया। पर एक किस्त एक दिन में ना काफ़ी थी, तो मैंने YouTube पे इसका टर्किश वर्जन सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू किया। तो मैं सीज़न 1 का जल्दी से आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि शुरू में मेरा इंटरेस्ट जो 10 से 15 एपिसोड्स के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर गया, पर फिर मुझे बाकी की कुछ नेक्स्ट एपिसोड्स में लगा कि ये सिर्फ अर्तुरुल और हलीमा के बारे में ही सीज़न होगा। पर फिर एंट्री हुई आपके बहुत प्यारे दोस्त करतोगलू और सलचान की। इनकी साजिशों की वजह से बाकी एपिसोड्स में मेरा इंटरेस्ट इस तरह करके बढ़ गया। करतोगलू और सलचान की साजिशें इतनी ज़बरदस्त थीं और मेरा इंटरेस्ट बाकी की एपिसोड्स में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैंने एक वीकेंड पे ही कोई 40 से 50 इसकी एपिसोड्स देख डाली सिर्फ करतोगलू का अंजाम देखने के लिए। सीज़न 1 का पेस मुझे ज़रा स्लो लगा। अगर आप 2 से 3 एपिसोड स्किप भी कर दें और आप इसको दोबारा देखना शुरू करें तो आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि मैंने कुछ मिस किया है, और आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ड्रामे में हो क्या रहा है। सीज़न 1 ख़त्म करने के बाद मैंने हिम्मत की कि इसका सीज़न 2 स्टार्ट करता हूँ, पर सीज़न 2 की 26 एपिसोड्स देखने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं बकाया की कोई 70 से 80 किस्तें देखने की हिम्मत हार गया। ओवरऑल सीज़न 1 बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान में जो कंटेंट बनता है उससे ये बहुत बेहतर है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत ब्रीफ सा एक रिव्यू दिया। मैं इस सीज़न 1 की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं गया कि मैं आपका जो बकाया सीज़न रह गया है उसको स्पॉइल ना करो। प्लीज़ इस शो को एज अ एंटरटेनमेंट लें और इसके साथ इमोशनली अटैच ना हो। मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी है जहां पर पाकिस्तानी लोग इन एक्टर एक्ट्रेसेस के सोशल मीडिया पर जाकर उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है और वह जिस तरह भी गुजारना चाहें ये उनकी मर्ज़ी है, तो हमें अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए है, और इससे बाकी लोगों के दिमाग में काफ़ी नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू गाइज वॉन्ट टू सी।